तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों, महीने के अंदर एक बार मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं जिसमें बताता हूं कि मैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस वगैरह जो है मेरे फायर टीवी स्टिक के अंदर यूज करता हूं, और आपको भी जो है वो फायर टीवी स्टिक वगैरह के अंदर यूज करनी। ये तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि फायर टीवी स्टिक के अंदर जो है रेगुलर अपडेट वगैरह आते रहते हैं, तो कुछ एप्लीकेशंस वगैरह जो है काम करना बंद कर देती हैं और कुछ नई एप्लीकेशंस वगैरह जो है इसमें ऐड हो जाती हैं। और दोस्तों, कुछ एप्लीकेशंस को जो है हम MOD के द्वारा भी इसमें यूज कर सकते हैं ट्रिक्स एंड टिप्स लगा करके, ठीक है। तो अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आपकी फायर टीवी स्टिक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लेग वगैरह आ रहा है या फिर स्पेस की कमी हो रही है ना, तो आप किस प्रकार से उसको रिमोट ADB एप्लीकेशन के माध्यम से जो है यूज करके उसको क्लियर कर सकते हैं कैचेज वगैरह को, और अपने फायर टीवी स्टिक को जो है बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन पर यहाँ पर जो है लिंक दे दूँगा आपको, आप जाके चेकआउट इस वीडियो के बाद में ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले ऊपर जो है हमारे पास जियो सिनेमा है। जियो सिनेमा तो दोस्तों आप सभी को ध्यान ही है कि IPL चल रहा है, तो IPL के अंदर जियो सिनेमा को यूज़ करना बनता है। सारा का सारा कंटेंट जो है आपको इसमें फ्री में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है वेब सीरीज़ वगैरह और फिल्म वगैरह भी इस पर जो है आती रहती है। तो आप इसको जो है यूज कीजिएगा, 100% जेन्युइन है, 100% लीगल है, और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। मैं तो इसको जो है पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। अब है दोस्तों नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का जो है कुछ समय पहले ही मेरे पास जो है इसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया था, और मैंने जो है किसी दूसरे से भी ID लेके इसको ट्राई किया, लेकिन दोस्तों कुछ समय चलता है उसके बाद में जो है यह बंद हो जाता है। इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, वो ट्रिक जो है कुछ समय तक तो काम करी थी मेरे, लेकिन अब जो है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इसका जो है सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लेते हैं। इसका कारण भी जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों YouTube के बिना तो कुछ ही नहीं है, जिस पे हमारे वीडियो भी आते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, तो ये तो आपको यूज करनी ही चाहिए। चौथी है दोस्तों माउस टॉगल एप्लीकेशन। माउस टॉगल एप्लीकेशन जो है कुछ समय पहले बंद हो गया था और इसमें जो है एरर शो कर रहा था, तो इसके रिगार्डिंग जो है हमने माउस टॉगल एप्लीकेशन का खुद का भी वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से आप जो है कमांड प्रमोट के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं, कमांड देकर के जो है आप इसको अनेबल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ही दिक्कत थी कि बार बार आपको जो है कमांड इसमें डालनी पड़ती थी। तो उसका भी एक सेकंड वीडियो और बनाया था, रिमोट ADB के द्वारा भी जो है आप माउस टॉगल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, तो वो भी जो है आप चेकआउट कर लेना। और ये एप्लीकेशन जो है मैं यूज करता हूँ, इसलिए मैंने इसको जो है इंस्टॉल करके रख रखी है, ठीक है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट है पिकासो एप्लीकेशन। पिकासो एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मेरे नेटफ्लिक्स के भी पैसे बचाती है, हॉटस्टार के बचाती है, और अमेजोन प्राइम के भी पैसे बचाती है। क्योंकि दोस्तों इस पर जो है आपको पता ही है, बताने लायक तो कुछ है नहीं, सब कुछ इस पर मिलता है आपको। और कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ जाइएगा। इस तरह की एप्लीकेशन जो है मैं वहाँ डालता रहता हूँ, और जो कि वर्किंग होती है, ठीक है। तो वो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ से डाउनलोड कर लेना, TV के अंदर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब आता है हॉटस्टार। हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मेरा अभी बाकी है, इसलिए जो है मैं इसको इंस्टॉल करके रख रखा हूँ। अब चलते हैं हमारी मोर एप्लीकेशन के अंदर। ये तो दोस्तों फायर टीवी स्टिक का जो है एप स्टोर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अमेजोन म्यूजिक जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, इसमें जो है गाने वगैरह मैं कभी कभार सुन लेता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन TVMate, जो कि 101% वर्क कर रही है। आप कहोगे तो इसका वीडियो जो है मैं आपको सैंपल टेस्टिंग वगैरह टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं उसमें शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। JioTV का दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसी एप्लीकेशन का होने वाला है। तो ये है दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग एप्लीकेशन JioTV। जी हाँ दोस्तों, जियो सिनेमा तो हमने ऑलरेडी ऊपर बात कर ली, डिस्कस कर लिया, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही शानदार एप्लीकेशन ये वाली है। इसको दोस्तों मैंने क्यों इंस्टॉल करके रख रखा है, बहुत से लोगों की जो है ये वर्क नहीं कर रही होगी, कुछ लोगों की कर भी रही होगी। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि इसके रिगार्डिंग जो है मैं अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, और इसमें जो है कुछ चैनल मेरे काम कर रहे हैं, कुछ चैनल मेरे काम नहीं कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं वो यूजफुल चैनल से, इसलिए मैं जो है इसको इंस्टॉल करके रख रखा हूँ। दोस्तों मैक्स प्लेयर जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंड फाइल टू TV जो है मोबाइल से, टैबलेट से जो है आप इसके अंदर भेज सकते हैं डाटा वगैरह, फाइल वगैरह को, APK वगैरह को, और TV से जो है मोबाइल में भी ले सकते हैं। डाउनलोडर एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, इसके द्वारा जो है आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, ये तो आपको रिकमेंडेड है, ये तो यूज़ करना ही करना। इंटरनेट जो है अमेजोन प्राइम का ही है। गाना जो है इसमें भी मैं कभी कभार गाने वगैरह सुन लेता हूँ, इसलिए जो है इसको यूज मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये है दोस्तों हमारा एप्टॉइड एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर जो है आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डायरेक्ट प्ले स्टोर की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें जो है एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करके आप अपने फायर टीवी स्टिक के अंदर यूज कर सकते हैं। कोई भी फाइल वगैरह अपन भेजते हैं मोबाइल से सेंड फाइल TV के द्वारा, तो वो आप एक फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाकर के TV में एक्सेस कर सकते हैं, और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों प्राइम वीडियोज। अमेज़ॉन का जो है सब्सक्रिप्शन अभी मेरा बाकी है कुछ महीने के लिए, और अभी इसको जो है मैंने और ले लिया है तो इसलिए इसको इंस्टॉल करके रख रखा है। इस पर भी जो है वेब सीरीज़ वगैरह आती रहती है, इसलिए मैंने इसको जो है इंस्टॉल करके रखा हुआ है। प्ले बॉक्स टीवी को जो है मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था तो उसके अंदर जो है इसके अंदर वर्किंग था ये, इसलिए इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है मैंने। क्रिक फाइट टीवी एप्लीकेशन दोस्तों इसका तो पूछो ही मत, इसका डिटेल वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाला था और उसको जैसे ही मैंने डाला तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन यूट्यूब ने जो है उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दी थी, उसको हटा दिया था। हालांकि इस पर मैं थोड़ा एडिटिंग करके इसको वापस भी इंस्टॉल करके मतलब वापस से भी अपलोड कर सकता हूँ। हालांकि ये वीडियो जो है आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा, वहाँ जाके भी इसको चेकआउट कर लेना, 100% वर्किंग कंडीशन में है। और दोस्तों कोडी ओमेगा 2.21 ओमेगा है ये दोस्तों, जिसका मैंने पहले वीडियो डाला था। अगर अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर लेना, कैसे आपको डाउनलोड करना है लेटेस्ट वर्जन। और इसका दोस्तों एक वीडियो और आने वाला है जिसके अंदर मैंने जो इसके सेटअप के बारे में बात कर रखी है। तो बस दोस्तों यही सारी एप्लीकेशन है जो कि मैं मेरे फायर टीवी स्टिक के अंदर इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ। और अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लो मैंने सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, मान लो सपोज करो मेरे को एक एप्लीकेशन नहीं चाहिए, सपोज करो गाना एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो मैं इसको जो है अनइंस्टॉल करके रख दूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से जो है गाना एप्लीकेशन यूज़ नहीं करी, कभी कभार यूज़ करता था, आजकल जो है कम कर दिया यूज़ करना। और एक है MX प्लेयर भी मैं कम ही यूज़ करता हूँ, लेकिन इस पर जो है वेब सीरीज़ वगैरह आती रहती है। तो इस प्रकार से जो है आप जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है, अनवांटेड एप्लीकेशन है, उनको भी जो है अनइंस्टॉल करके रख दीजिएगा, क्योंकि उससे जो है आपकी फायर टीवी स्टिक की परफॉर्मेंस पे भी जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों इससे पहले हमने जो है कैच मेमोरी वाला वीडियो डाला था, वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी जो है चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।